हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वागीशा। और जैसे कि आपको पता है कि मैं चर्च जाने वाली थी, बट समहाउ इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा सबमिशन बिल्कुल पॉइंट पे था। नाउ अब मेरा सेकेंड सेमेस्टर एंड हो चुका है, कंप्लीट सारी सबमिशन हो चुकी है। अब हम पूरा का पूरा व्लॉग डिफरेंट शूट करने वाले हैं, वो भी जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम पीरियड में नहीं, शॉर्ट इंटरवल के ऊपर हम जल्दी जल्दी डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग शूट करने वाले हैं। नई वीडियोज अपकमिंग है, तो गाइज आपको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अब मैं पूरी टोटल फ्री हूँ आज। पर हम सबसे पहले, सबमिशन खत्म हुआ है तो सबसे पहले हम थैंक यू करने जाएंगे बाबा जी को, गुरुद्वारे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गुरुद्वारा जो कि यहाँ पे है बिल्कुल पास में। सो हम पहले वहां चलते हैं, बाबा जी को थैंक यू बोलते हैं कि फाइनली सबमिशन हो चुकी है। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, फिर हम जीजस के पास जाएंगे, फिर वीडियोस कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि अब तो सबमिशन खत्म। अब मेरा 15 डेज का ब्रेक है ऑलमोस्ट। तो लेट्स गो, एंजॉय, लेट्स टुगेदर, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। सो कहीं जाइएगा मत, डोंट वरी, आई विल बी राइट बैक इन फ्रंट ऑफ द गुरुद्वारा। सो लेट्स गो, कम विद मी। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बैक कैमरा से, और अंदर में भी थोड़ा शोर हो तो आपको मेरी आवाज़ इतनी सुनाई ना दे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट मैं ध्यान रखूंगी कि आपको मेरी आवाज़ पूरी सुनाई दे। सो लेट्स गो, उससे पहले कि आप बाहर का व्यू देख लो। गाइज ये देखो, कर लो आप दर्शन बाबा जी के। सो ये था बाहर का व्यू और अभी हम चलते हैं अंदर। मे बी थोड़ा शोर हो जाएगा, हार्डली मैटर्स। गाइस जो आपको सामने दिख रही है लंगर हॉल है, और अभी हम पहले जाएंगे दर्शन करने, फिर जाएंगे लंगर हॉल। क्योंकि गुरुद्वारे में ये सर कवर करके जाते हैं, तो आई होप क्या सब लोगों को पता होगा, तो मैंने कर लिया है। सो लेट्स गो, अभी हम स्टेज पे उतर चुके हैं। आज नहीं है इतना रश, नॉर्मली नहीं होता है, सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रहता है। लेट्स गो। मेन हॉल है, दर्शन कर लो बाबा जी के, दर्शन कर लो। आज तो पूरा हॉल खाली है, वैसे यूजुअली भीड़ नहीं होती है, सैटरडे संडे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन पे। फ्रेंड्स ये है लंगर हॉल, यहाँ पे प्रसाद होता है, और जिसको सेवा करनी हो तो वो वहाँ पे जाके यूटेंसिल्स वॉश भी कर सकता है और साफ भी कर सकता है, बाकी आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज भीड़ नहीं है इतनी, रश नहीं है। लेट्स गो। हे गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम दर्शन करके आए हैं बाबा जी के, और अभी मैं नीचे हूँ, थोड़ा मौसम खराब हो गया, बादल हो गए हैं,
और अभी हम देखें कि कितना अच्छा लग रहा था गुरुद्वारे के अंदर, वो लाइटिंग वाइटिंग और सब। और अभी जैसे कि पता है आप लोगों को, ये जो गुरुद्वारे की चैरिटी है, ये यहाँ पे पास में ही एक स्कूल है, वो इनकी चैरिटी का ही है, इन रविदास भवन वाले गुरुद्वारों का ही। और वो लोग करते हैं वहाँ पे, तो वो गर्ल्स गर्ल्स का स्कूल है, और काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी वो एक्टिविटीज़ और वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और इस गुरुद्वारे का क्या है कि आप कोई वो घुमाने ट्रिप, डे ट्रिप पे भी लेकर जाते हैं, तो वो एक डे का ट्रिप होता है, वो आपको वहाँ लेकर जाएंगे और वो टिकट्स के पैसे होंगे इस पर चीप रेट पे, और आपको यहीं पे बस उठाएगी, यहीं से बस लेकर जाएगी और आपको पूरा का पूरा जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम अभी मेरे आने के बाद तो नहीं गए हैं शायद, और मेरे आने के बाद जाएंगे तो डेफिनेटली मैं खुद जाऊंगी। और वैसे देखा था, मेरे को किसी ने बताया कि ये लोग पहले वेल्स गए थे बस के अंदर, तो वो लग जाते हैं 4.5 घंटे आई थिंक, ज़्यादा में भी है इतने अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ गए थे और इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। मतलब ये डे ट्रिप्स और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं जो लगता है, तो काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अब ना पास में एक और गुरुद्वारा भी है जो कि बहुत अच्छा है, तो कभी हम उस गुरुद्वारे में भी जाएंगे, बड़ा गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, वो पास में मेन सोहो रोड पे, तो हम उस वहाँ पे भी जाएंगे नेक्स्ट टाइम। और आज के लिए हमने बाबा जी के दर्शन किए तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे ऐसे ही हम करते रहेंगे। और अभी जब मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट टाइम, तो मैं मंदिर जाना भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे टेम्पल भी देखा है जो कि हिंदू टेम्पल है, वहाँ पे सारे के सारे गॉड हैं, तो हम वहाँ भी चलेंगे। और ये सब है, और यहाँ पे भी जो सारे जो ये सेवा करते हैं, ये सब लोग ये इंडियन हैं, और ये सब काफ़ी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं और अपनी यहाँ पे सेवा करते हैं। सेवा आप भी कर सकते हो एज यूजल, हमें पता है कि जैसे कि जैसे कि हम सब गुरुद्वारे के अंदर जाके सेवा कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप यहाँ लंगर हॉल में भी कर सकते हो और क्लीनिंग में भी कर सकते हो और यूटेंसिल्स वॉश भी कर सकते हो, तो इस वजह से ऐसा सब ये सब होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। तो चलो कोई बात नहीं गाइज, आई होप कि आपको गुरुद्वारे के दर्शन आज पसंद आए होंगे, और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपको सारी की सारी वीडियो जैसे पसंद आई पहले, ये वाली भी आएगी। और प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको अब नेक्स्ट क्या देखना है टेंपल, क्योंकि नेक्स्ट टेंपल है और मैं उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुकी हूँ टोटली, तो अब मैं जा सकती हूँ कहीं भी घूमने एक्सप्लोर करने, तो साथ में चलेंगे गाइज, डोंट वरी। सो इस वजह से गाइज डोंट वरी, आई होप के यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ गाइज शेयर करो, मैं शेयर करो, क्या कर क्या रहे हो आप लोग, आई डोंट नो कि आप गाइज कर क्या रहे हो, पर कुछ करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर माई वीडियो, ओके। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, सो लव यू।